मुरहू की जीवनधारा कही जाने वाली बनई नदी संकट में है। माहिल जामटोली के पास मार्च महीने में ही नदी का बहाव थम गया है और हर तरफ सूखे बालू नजर आ रहे हैं। छोटी सी बड़े पैमाने पर हो रहे दोहन के कारण इसका अस्तित्व खतरे में पड़ा है। नदी अब कथित तौर पर अवैध बालू उत्खनन के कारण अपनी सतह से 10 फीट नीचे चली गई है। जल स्रोत सूख चुके हैं। होगा और बालू तो भी ऊपर आएगा, तो नदी का जो पानी है ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, तो इससे हम लोग का जो अभी दिक्कत हो रहा है समस्या खेती। जिले के उपायुक्त ने भी ग्रामीणों को बोरी बांध बनाने के लिए उत्साहित किया और साग सब्जी की खेती करने को कहा। बनई नदी के जल स्रोत को जीवित रखने और जल संरक्षण के मद्देनजर इस नदी पर जगह जगह ग्रामीणों के साथ मिलकर मदद के सहारे बोरी बांध का निर्माण करने का काम शुरू गया है। गांव के लोगों का जुड़ाव जब नदी से होगा तो बालू के अवैध उत्खनन पर भी विराम लगेगा। अगर बनई नदी में 100 को बोरी बांध बन जाता है, जलटंडा जगह से लेके आपका 5 घाट तक में, तो उस नदी में पानी नहीं सूखेगा, पानी लबालब रहेगा। और जो आज वहां घघरा में जो काम हो रहा है, घघरा महल सीमान में बनई नदी बचाओ, वहाँ जो आप लोग हम लोग सब मिल के बोरी बांध का जो काम करने का काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम हुआ है। लगभग 40 किलोमीटर लंबी इस नदी पर बोरी बांध बनने से 40 गांव में जल संकट की समस्या खत्म होगी। भूगर्भीय जलस्तर ऊपर आएगा और नदी का दोहन भी रुकेगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट।